दोस्तों आज मैं हरिद्वार के एक बहुत ही सुंदर आश्रम है वासुदेव आश्रम, वहाँ पर आया तो एक यहाँ पर एक महात्मा जी मिले हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि मैंने जब उनसे बात की तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मिलाया जाए और इनके बारे में जानते हैं। राधे राधे। सर सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे ताकि जो भी आपको देखे तो कम से कम आपको जान सके, आपको पहचान सके। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं मलुकपीठ से दीक्षित हूँ, श्रधाम वृंदावन से, और हरिद्वार में हम सभी आए हुए हैं लगभग, और पितर पक्ष में श्यामा सेवा संस्थान श्रधाम वृंदावन परम पूज कथावास श्री अभिनंदन जी महाराज जी के सानिध्य में गंगा जी के तट पर पितरों के मोक्ष के लिए, पितरों के उद्धार के लिए, और ये कह लीजिए समस्त विश्व कल्याण समाज कल्याण के लिए सुंदर आयोजन यहाँ पर रखा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक जो कोरोना में कई भाई बहन चले गए, जिनका पूरी तरह से क्रियाक्रम भी ढंग से नहीं हो पाया, उन समस्त भक्तों के लिए एक सुंदर श्रद्धांजलि का प्रोग्राम भागवत कथा के रूप में दिया जा रहा, ताकि उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो सर बहुत अच्छी सोच आपकी है और आपकी जो टीम है पूरी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और उसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करता हूं। और सर जानना चाहेंगे कि आप जो भी ये भागवत कथा करते हैं पूरे इंडिया में कहां कहां करते हैं, या कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारा श्री जो हमारे अभी आप देख रहे हैं आस्था भजन पे, जिनका सीधा प्रसारण कथा का चल रहा है, श्री अभिनंदन जी महाराज, ये निरंतर 10 वर्षों से कथा चल रहे हैं और भारत के लगभग सभी प्रांतों में, रायपुर पे, छत्तीसगढ़ पे, बम्बई, महाराष्ट्र, कोरबा, शहडोल, उमरिया, लगभग सभी क्षेत्रों में महाराज श्री के माध्यम से सुंदर राम कथा का और भागवत कथा का निरंतर आयोजन होता आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप पंकज गुप्ता जी को सुन रहे हैं, जो कि परम पूज्य अभिनंदन जी महाराज के शिष्य हैं, और परम पूज्य अभिनंदन महाराज जी जो हैं वो एक कथावाचक हैं, भागवत कथा करते हैं और बहुत ही फेमस हैं। इनका जो प्रोग्राम है वो लाइव टीवी में भी आता रहता है, कई ऐसे चैनल हैं जहां प्रोग्राम आता रहता है, और पंकज गुप्ता जी उन्हीं के शिष्य हैं। तो अभी जो इंटरव्यू चल रहा है अभी बाकी है, अभी बहुत सारी जो जानकारी है, जैसे कि अभिनंदन जी महाराज से जुड़ी हुई जानकारी को भी पंकज गुप्ता जी से पूछेंगे और जानेंगे पंकज गुप्ता जी के बारे में कि ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, और इसके साथ साथ इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हरिद्वार में कितने दिन भागवत कथा होगी। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि जो परम पूज्य अभिनंदन जी महाराज हैं उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू मिल सके, और जिससे कि मैं आपको उनको दिखा सकूं, उनसे मिला सकूं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दे सकूं। और इसके साथ साथ ये भी मैं कोशिश करूंगा कि भागवत की एक वीडियो अपलोड करूं, जिससे कि आप उनकी भागवत को भी सुन सके। तो वीडियो में बने रहें और अभी पंकज गुप्ता जी से जो बातें हैं वो अभी जारी रहेंगी। इस कोरोना काल में थोड़ा सा दिक्कत हुई कि बाहर की कथा, पब्लिक की कथा ना करें, सरकारी गाइडलाइन का हम भी पालन करें, इसलिए कथा इस समय लाइव करी जाती है, जनता नहीं रहती है, टीवी के माध्यम से सभी सुनते हैं। और कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा दान है भगवान की कथा का दान करना। हमने किसी को वस्त्र दान कर दिया, भोजन दान कर दिया, तो वो कुछ समय तक रहेंगे, वस्त्र फट जाएगा, आज भोजन कराएंगे कल उसको फिर भूख लग जाएगी, लेकिन हमने भगवान का दान कर दिया। कथा का दान यानी साक्षात भगवान का दान है, भगवान के नाम का हमने दान कर दिया तो साक्षात भगवान का ही ध्यान है। एक व्यक्ति जीवन में भगवान को प्राप्त कर ले, इससे बढ़कर और ध्यान का हो सकता है? तो महाराज श्री की कथा का उद्देश्य यही रहता है कि जो भक्तजन नहीं सुन पाते कथा, बहुत बड़ा आयोजन नहीं करा पाते, वो भी टीवी के माध्यम से कथा सुने और अधिक से अधिक ये 17 दिनों में अपने पितरों की पावन स्मृति में, क्योंकि ये सनातन संस्कृति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, अपने पूर्वजों का हम धन्यवाद ज्ञापित करें, उन्हीं का उपकार, उन्हीं का ऋण लिए हम हैं, तो कम से कम हमारे जो 3 प्रकार के ऋण, जैसे ही ये शरीर पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण लग जाते हैं, तो तीनों ऋणों से मुक्ति होती है जब ऐसे गंगा जी के तट पर बैठकर कोई सुंदर अनुष्ठान किया जाता है। जैसे कथा चल रही है तो हम देवताओं के ऋण से उऋण हो रहे हैं, नित्य प्रति पितरों का तर्पण हो रहा है यहाँ पर, तो पितरों की ऋण से हम उऋण हो रहे हैं, और जो शास्त्र का स्वाध्याय होता है उससे ऋषि ऋण से हम उऋण होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने इस भारत भूमि पे हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति में हम सभी को जन्म दिया, तो हम अपने उद्देश्य को जानें। हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति,
अब भगवान की प्राप्ति में सहायक क्या है, तो ये गंगा जी सहायक हैं। भगवान के चरण कमलों से निकले हैं। जब भगवान वामन ने 3 पैग नापा तो 1 पैग जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से धो के रखा। तो गंगा जी का स्पर्श साक्षात भगवान का ही स्पर्श है। गंगा जी की प्राप्ति साक्षात भगवान की ही प्राप्ति है। हजारों किलोमीटर से लोग जय गंगे करते हैं तो उनके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। हम सभी का कितना सौभाग्य है कि इन आंखों से गंगा मैया का दर्शन कर पा रहे हैं, नित्य प्रति स्नान कर पा रहे हैं, नित्य प्रति हम तर्पण कर पा रहे हैं। तो लोग समझें और गंगा मैया में गंदगी ना करें। हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम सभी की माँ है गंगा मैया, गौ माता, तो अधिक से अधिक उसको स्वच्छ करें। दूसरा श्यामा सेवा संस्थान का एक उद्देश्य है गैया मैया की सेवा। हम खूब अनुष्ठान करें, खूब कथा करें, खूब कीर्तन करें, लेकिन हमने गाय की सेवा नहीं करी तो गोविंद प्रसन्न नहीं होंगे। गावो विश्वस मात्रा, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवता और 68 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं, आज वो कचरा खा रही है, गंदी नाली का पानी पी रही है, पन्नी खा रही है, प्लास्टिक खा रही है। हम सब भगवान को तो भोग लगा रहे हैं लेकिन गौ माता को तो हमने किनारे कर दिया। दूध देती है जब तक लोग घर में पालते हैं, नहीं तो लोग निकाल के फेंक देते हैं। हजारों लाखों गोवंश तो काट दिए जाते हैं, एक्सीडेंट में न जाने कितनी गौ माता का रक्त इस धरती पर बह रहा है। भागवत भगवान से, गंगा मैया से सिर्फ यही प्रार्थना है कि पुनः इस भारत भूमि पर गाय की गोबर, गौमूत्र की नदियां बहे, पूरी तरह से गौ माता सुरक्षित हो, गौ माता सुखी हो, क्योंकि गाय की प्रसन्नता ही गोविंद की प्रसन्नता है। यही हमारी संस्थान का एक प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो सर अभी कितने दिन है वासुदेव आश्रम में आपकी भागवत, कब से कब तक चलेगी? वासुदेव आश्रम में हम लगभग 20 तारीख से कथा प्रारंभ हुई और 6 अक्टूबर तक चलेगी। 17 दिन का आयोजन है, 8-8 दिन की 2 कथा है, 8-2=16 और 1 दिन हवन का कार्यक्रम है। सारे पितरों की पावन स्मृति में श्यामा सेवा संस्थान के अंतर्गत पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज, उन समस्त यजमान परिवार जिनकी जिनकी पोथी पाठ यहाँ पर चल रहा है, उन समस्त के लिए एक यहाँ पर यज्ञ का कार्य करेंगे। उस यज्ञ की अग्नि से जो धुआं निकलेगा विश्व कल्याण, समाज कल्याण करेगा। तो हमारा कार्यक्रम लगभग 17 दिनों का है, 16 दिन की कथा, 17 दिन हमारा हवन, यज्ञ और भंडारे का कार्यक्रम। जैसे कि कोई आपके कार्यक्रम को ज्वाइन करना चाहता है, वो आकर सुनना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। वासुदेव आश्रम में राम मंदिर में शीश महल में चली रहा है, आप आइए, बिल्कुल आपकी सुंदर व्यवस्था होगी संस्थान के माध्यम से। आप यहाँ पर आसपास के हैं तो रुककर कथा सुने, बाहर भी अगर आप हमारे इस यूट्यूब के माध्यम से मेरी वाणी को सुन पा रहे हैं, आप आ सकते हैं, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। नहीं भी आ पाते तो आस्था भजन के माध्यम से 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, रात्रि में आस्था पर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कथा का दर्शन आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप पधारिए, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपके गुरुजी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, गुरुजी का जो सफर है वो कहां से शुरू हुआ, अगर कुछ बता सके आप? पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज हैं, आपके गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय कथावास श्री ब्रजनंदन जी महाराज हैं। आप ललिता आश्रम श्रीधाम वृंदावन से दीक्षित हैं, आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई है, ललिता आश्रम में हुई है। महाराष्ट्री अभी युवा हैं, लगभग 30-31 वर्ष की महाराष्ट्री की आयु है। आप खुद भी अभी दर्शन करेंगे महाराष्ट्री का, तो एकाएक कह लीजिए कि ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध रहते हैं। महाराष्ट्री ने काफ़ी MBA भी किया है, काफ़ी उच्च पढ़ाई भी महाराष्ट्री ने करी। महाराष्ट्री का स्वयं कैसे, महाराष्ट्री से हमने पूछा कि महाराज जी लाइन आपने कैसे सुनी, तो होता है ना, कहते हैं माता पिता का संस्कार ही पुत्र में जाता है, आत्मा वही जायते पुत्रा। जिस प्रकार शिष्य अपने गुरु की आत्मा होती है, उसी प्रकार पुत्र भी अपने माता पिता की आत्मा होती है। तो महाराष्ट्री के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्री के माता पिता नित्य सत्संग में जबलपुर में आया जाया करते थे, कहीं भी कथा होती तो महाराष्ट्री को लेके जाया करते थे। तो महाराष्ट्री को भी लगता था कि हम भी ऐसा माइक पकड़े, ऐसे स्टेज में हम बोले, ऐसे लाखों लोग हमको सुने, एक उत्साह था। और वो उत्साह धीरे धीरे संस्कार में बदला और निरंतर छोटी छोटी कथा करने के बाद महाराष्ट्री का जो सफर है वो जबलपुर से प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्री घर में ही पहले शुरू से कथा करते थे, 4-5 बच्चों को या घर के लोगों को बैठा कर ही, कभी ऐसे माइक ले लेते थे, कभी पेन को माइक बना लेते थे, पेंसिल को माइक बना लेते थे। वो अभ्यास बचपन से ही था कि एक मंच पे हमको कुछ बोलना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो वही महाराज जी की जो स्वप्न था वो आज महाराष्ट्री को यहाँ पर पहुँचा दिया, जो निरंतर महाराष्ट्री श्रवण कर पा रहे हैं आप सभी, और सभी चैनलों पर महाराष्ट्री लगातार कथा
करते हैं और बड़ी मरासरी की, क्योंकि एक युवा जब कथा करता है तो अधिकतर युवक युवतियां प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि हमारी उम्र का भाई बालक कथा कर रहे हैं, हमारी उम्र के इतने सुंदर व्यास है तो किसी भी लाइन में जा सकते थे, तो ये कथा सुनना, चलो दो मिनट कथा सुन ली जाए, तो अधिकतर हमारे युवक युवतियां मरासरी से प्रभावित होकर इस लाइन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। खूब सारे मरासरी के फैन बढ़ रहे हैं, लगातार यूट्यूब चैनल पर मरासरी का जो है उसमें भी लाखों श्रोता कथा श्रवण करते हैं। तो यही मरासरी का प्रारंभिक रहा कि माता पिता का सत्संगी होना, माता पिता का मरासरी को प्रत्येक कथा में लेके जाना और धीरे धीरे कथा कीर्तन सुनते 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 भगवान की कृपा हुई कि एक सुंदर मरासरी आज भारतवर्ष के एक अच्छे सुंदर व्यासपीठ में व्यास गद्दी पर बैठकर सुंदर व्याख्यान करते हैं। अब कहते हैं जिसकी जो लाइन रहती है तो फिर धीरे 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 निरंतर 5-7 वर्षों से मैं भी इसी लाइन में हूँ। वैसे तो कथा कीर्तन में लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन जो एक संचालन का काम मेरा रहता है, एंकरिंग का काम रहता है, ये निरंतर 5-6 वर्षों से लगा हुआ हूँ। मेरी दीक्षा श्रद्धाम वृंदावन में मलुक पीठाधीश्वर देवाचार्य जगतगुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज से मेरी दीक्षा हुई है, जो निरंतर गौ सेवा करते हैं जड़खोर धाम में मलुक पीठ में, जिनको आज सारा देश विदेश सारा संत जिनका सम्मान करता है, जिनका प्रेम करता है, ऐसे मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हीं की कृपा उन्हीं की करुणा है जो इस समय मैं मंच में दो शब्द आप सभी भक्तों के बीच में बोल पाता हूँ। तो सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। जी मेरे और... को बहुत अच्छा लगा कि आपका समय निकालकर हम लोगों को आपने समय दिया। आपके YouTube के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जो भी इसका दर्शन करें देखें, वासुदेव आश्रम में हम सभी रुके हुए हैं, निरंतर 6 तारीख तक ये सुंदर अनुष्ठान चलेगा। आप आसपास के हैं तो शाम को 4 बजे से कथा प्रारंभ होती है, आप पधारें सुंदर कथा का रसपान करें। भविष्य में भी जो भक्त मरासरी के माध्यम से आयोजन कराना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के नंबर वगैरह आप ले लें, वैसे चल ही रहे हैं टीवी पे, आप भी सुंदर संकल्प लें, माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, कहीं भी गौ माता दिख जाए बिल्कुल सोच लें कि ये भगवान ही खड़े हैं, भगवान चार पैर में अवतरित ले लिए। जिस प्रकार भगवान द्रव्य रूप में गंगा जी के रूप में बह रहे हैं, भगवान का ठोस रूप गोवर्धन के रूप में कामतानाथ के रूप में विराजमान है, उसी प्रकार भगवान कलयुग में हम सबको दर्शन देने के लिए गौ माता के रूप में विचर रहे हैं। बस जिस दिन गौ माता हमारे हृदय में आ जाएगी उस दिन गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे, और गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे सारे विश्व का कल्याण होगा, हम सभी को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अधिक से अधिक नाम संकीर्तन करें, कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी प्रधानता है, खूब भगवान का नाम जपें, सीताराम राधेश्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, क्योंकि निरंतर तो हम कथा नहीं करा सकते, निरंतर गंगा स्नान के लिए आप नहीं आ सकते, निरंतर तीर्थ नहीं आ सकते, लेकिन जीव आपके बस में है, भगवान का नाम स्वतंत्र है, एक नाम में सारी शक्ति समाई हुई है, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुड़गाई। खूब नाम लीजिए, 21,600 हम सांस लेते हैं तो कम से कम 25,000 बार भगवान का नाम नित्य प्रति लेना चाहिए। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, बोली गंगा मैया की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, राधे 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 सर।